ये देख लो गाइस, इसकी फर क्वालिटी देख रहे हो, और एक भी फैदर कटा हुआ नहीं है गाइस, ये देख सकते हो आप। पर देख रहे हो पिजन्स यानी कबूतर, मसक्कली ने इनका गाना भी सुना होगा, मसक्कली, जिससे वो फेमस हुए। पर देख रहे हो इरफान भाई के हाथ में अपने को यहाँ पर टेरेंटोला भी देखने मिल जाएगा। तो ये भी कम्प्लीटली हैंड टेम बर्ड है, ये देखिए इसको पसंद है हाथ पे आना। ये देखिए स्टेप अप, इसको हम लोग ने कम्प्लीट ट्रेनिंग देकर रखी है। ये हैंड फीडिंग कुकटेल्स, क्या बात है, बहुत ही प्यारे, ये देख रहे हो कितने प्यारे हैं यार कुकटेल्स, बहुत प्यारा है भाई, कितना प्यारा भाई। लोगों की ना ख्वाहिश होती है भाई कि अपने घर में ये बर्ड रखूं। अगर आप देखोगे तो सिर्फ लॉरी नहीं, हमारे पास छोटे से छोटे और सारे बड़े बर्ड्स अवेलेबल है, बजीज भी हमारे पास, बजीज भी अवेलेबल हो जाएगा भाई। अवेलेबल करके मिल जाएगा, नहीं होगा तो भी, बाकी ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको शॉप दिखाता हूँ शॉप कौन सी होने वाली है। ये देख रहे हो ये है शॉप, खान पेट शॉप। बाकी यहाँ पर तो यहाँ पर भी देख रहे हो बहुत सारी चीजें है। बाकी अगर आपको यहाँ पर फिश वगैरह चाहिए ना तो देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको फिश वगैरह देखने मिल जाएगी। बाकी जो मेन चीज है वो है अंदर, तो भी फटाफट अपन चलते हैं अंदर। यहाँ पर अंदर आते ही गाइस देख रहे हो यहाँ पर आपको मकाउस देखने मिल जाएगा, उसके अलावा जो मोस्ट ट्रेंडिंग ये देख रहे हो अमेरिकन ग्रेज वगैरह देखने मिल जाएगा, उसके अलावा यहाँ पर भी देख रहे हो, यहाँ पर भी मतलब बहुत सारी चीज़ें जो कि आज के वीडियो में अपन कवर करने वाले। और मेन चीज़ यहाँ पर देख रहे हो गाइस, यहाँ पर ना आपको ना बहुत मतलब इतने अनलिमिटेड यहाँ पर आपको फूड्स के ऑप्शंस देखने मिल जाएंगे ना, जो आपके पैड्स होंगे उनके। ये साइड भी आप देख रहे हो पूरी वॉल भरी है, ये साइड भी देख रहे हो आप पूरी वॉल से भरी है। मतलब आज की वीडियो को ना गाइस एंड तक देखना, अगर आपके भी घर पर अगर पैट है और अगर आपको भी कुछ चाहिए उसके लिए, यहाँ पर आके आराम से इजीली उसका जो ट्रीट है ना वो ले सकते हो। बाकी टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट चलते हैं। यहाँ पर अपने साथ है इरफान भाई, क्या हाल चाल इरफान भाई आपके? मजे में, आप बताएं कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया भाई। तो इरफान भाई सबसे पहले तो एक शॉर्टकट एड्रेस बता दो भाई, अगर किसी को शॉप पर विजिट करना है तो। इरफान भाई अगर आप मुंबई से है तो जोगेश्वरी ईस्ट और जोगेश्वरी वेस्ट दो जगह हमारी शॉप लोकेटेड है, लोकेटेड है। जो ये वीडियो है वो जोगेश्वरी वेस्ट वेस्ट की हो रही है। जोगेश्वरी वेस्ट में आपको स्टेशन पे उतरना है और अमृत नगर बोलना है, वहाँ पर किसी से भी पूछोगे खान पेट शॉप का है आप आ जाओगे हमारी एड्रेस पे, या तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना गाइस। कॉल कर लोगे आपको अगर कुछ क्वेरी रहेगी वो भी पता चल जाएगी। यहाँ पर देख रहे हो गाइस, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देखते मिलेगी अभी आगे वीडियो में भी। तो इरफान भाई स्टार्ट कौन से अपन बर्ड से करने वाले आज की वीडियो में? हम स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे बर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो पहला बर्ड जो मेरे पास बैठा हुआ ये है हैंड टेम कोकाटेल्स। क्या बात है, बहुत ही सुंदर यार भाई, बहुत ही सुंदर। अगर लोगों ने देखा होगा तो कई सारी पेट शॉप में ये अवेलेबल होते हैं, बिगिनर के लिए बहुत अच्छे बर्ड होते हैं। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि ये आते हैं बजट फ्रेंडली और होते हैं कम्प्लीटली हैंड टेम। मैं बताता हूँ आपको, करेक्ट भाई ये देख लो गाइस, बहुत ही प्यारा देख रहे हो हैंड टेम कोकाटेल्स। हमारे पास स्टार्ट होती है 3.5 के से और हम जब आप हमसे बर्ड लेते हैं okay. तो हम बर्ड की सारी इंक्वायरीज आपको देते हैं। हाँ, ये चीज एक क्वेरी थी इरफान भाई मेरी, यही चीज कि मतलब बहुत लोग बर्ड्स तो ले लेते बट लेकिन वो लोगों को गाइड नहीं कर पाता है, कोई नॉलेज नहीं आपको, कोई गाइड नहीं करेंगे। जब मेरे पास, मैं पेट शॉप नहीं ओन करता था तो मुझे भी कोई गाइड नहीं करता था, बस ये लो बिक गया खत्म खत्म। हम कनेक्टेड रहते okay. आपके बर्ड ने खाया, आपके पेट ने खाया कि नहीं खाया, और कंप्लीट हमारे पास एक शेड्यूल है जहाँ okay. पे हम बताते हैं कि क्या और कब कैसे देना है। क्या बात है यार गाइस, सुबह में क्या देना है, रात में क्या देना है, अच्छा इवनिंग में क्या देना है, आप और डिटेल्स दे दोगे टाइमिंग के साथ वो भी फूड चार्ट जैसे। क्या बात है गाइस, देख रहे हो अगर आप यहाँ से कोई भी बर्ड्स खरीद रहे हो तो इरफान भाई अपने को सारे चार्ट दे देंगे भाई कि आपके बर्ड्स को क्या खिलाना है, कौन से टाइम पे खिलाना है, और प्राइसिंग भी जो है भाई प्राइसिंग भी कमी है यार। अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपन वीडियो, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा देखने मिलता है इरफान भाई? हमारे पास एक और है यहाँ पर बैठा हुआ, ये देखिए, ये देख सकते हो गाइस, एक और एक हमारे पास बैठा हुआ कोकाटेल, बहुत ही यार बहुत ही सुंदर। और बस मैंने इसका आपको थोड़ा नजदीक से दिखा तो देख रहे हो, बहुत ही प्यारा लग रहा है यार। अगर आप कोई अदर शॉप पे जाओगे ना गाइस तो इतना बोलते हैं ना, इतने डिटेल्स में आप नहीं पा पाओगे यार किसी भी बर्ड्स को यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भाई आपके यहाँ पर भाई जो बर्ड्स की क्वालिटी है ना गाइस वो तो एक नंबर है। और देख रहे हो सब, और इरफान भाई कोई भी बाइट नहीं करता इरफान भाई? नहीं, ये लोग ट्रेंड है, ये जो है इनका प्ले बाइट होता है कभी कभी, ये देखिए किस तरह से ये ट्रेंड होता है, ये इनको हाथ पे आना पसंद है काम, ये देख रहे हो बहुत ही तगड़ा है। स्टेप अप, ये है ग्रीन चिक कॉर्नियर जो हमारे पास अवेलेबल है, ये भी कम्प्लीटली हैंड टेम बर्ड है, ये देखिए इसको पसंद है हाथ पे आना। ये देखिए स्टेप अप, इसको हम लोग ने कम्प्लीट ट्रेनिंग देकर रखी है। आपके यहाँ पर जो भी बर्ड्स रहेंगे सारे, जो भी आप सबको ट्रेन किए हुए होंगे ना भाई, ट्रेन और जेन्युइन पेट्स आपको मिलेंगे, हेल्दी मिलेंगे,
ऐसे आपको फेदर्स देखकर समझ में आ रहा हो? हाँ भाई, ये देख सकते हो फेदर्स की क्वालिटी देखकर आपको समझ में आ रही होगी। मेरे को लग रहा है भाई मोस्टली ना लोगों के फेदर्स जो रहते हैं ना बर्ड्स के वो कटे टूटे रहते हैं, बट लेकिन ये देख सकते हो भाई ज़ूम करके मैं आपको दिखा रहा हूं। या तो हम अगर किसी से बाय कर रहे हो कि उन्होंने कट करके रखा है तो होते हैं कट, वरना हम नहीं कट करते। यहाँ तो मोस्टली हम टेपिंग कर देते कि बर्ड्स को हार्म ही ना हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, फेदर्स में उनके सारी चीजें होती है। तो ये रहा आपको जैसे बता रहा था ग्रीन चिक कॉर्नियर। हमारे पास सिर्फ ग्रीन चिक ही नहीं, येलो साइडेड और कॉर्नियर्स में बहुत सारी वेराइटीज मिल जाएगी। ओके, और प्राइसिंग रेंज हमारा है इनके लिए 4.5 to 6.5 के। अच्छा 4.5 to 6, ओ क्या बात है भाई बहुत ही तगड़ा भाई। गाइस देख रहे हो भाई, अभी तो ये तो नॉर्मल भाई, ये तो अभी शुरुआत है, अभी बड़ी बड़ी चीजें आपको दिखाना बाकी है। तो इरफान भाई नेक्स्ट क्या चीज आप दिखाएंगे? अफ्रीकन ग्रे से जो कि मार्केट में डिमांडिंग है भाई, बहुत डिमांडिंग है। हेलो ग्रे, ये देख सकते हो भाई कितना प्यारा है भाई, कितना प्यारा भाई। लोगों की ना ख्वाहिश होती है भाई कि अपने घर में ये बर्ड रखूं मैं करके। इरफान इस टाइम पे बहुत ही लविंग होते हैं ये, बट ये सोशल नहीं होते, सिंगल ओनर बर्ड होते हैं। तो थोड़ी डिटेल्स भी मैं आपको दूंगा। हाँ भाई, डिटेल्स के साथ में बनाते भाई वीडियो, क्योंकि वो अपने व्यूअर्स लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा भाई। एग्जैक्टली, बिगनर के लिए ये बर्ड नहीं होते सुटेबल, वो कोकाटेल से या ऐसे कोई बर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। करेक्ट भाई, ये रहा अफ्रीकन ग्रे कॉन्गो, बेसिकली होते हैं ये अफ्रीका से ही ज्यादातर। Okay. तो इनका नाम इसलिए अफ्रीकन ग्रे रखा गया है। करेक्ट, और अगर इनकी कैपेबिलिटी बोले तो ये वर्ल्ड मोस्ट टॉकेटिव बर्ड में से आते हैं। ओहो, जैसे हम आप दो बात कर रहे हो ऐसी बात कर दे। एग्जैक्ट, टाइगर की बीवी का ब्रेन होता है बेसिकली। ओहो भाई क्या बात है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इनकी है अबव 50 इयर्स। 50 इयर्स तक जीते, क्या बात है। और अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूँ तो ये हमारे पास स्टार्ट है 55K to 65 की रेंज में। अच्छा 55 to 60 तक मिल जाएगा। और डिलीवरी बड़े बर्ड्स के लिए ऑल ओवर इंडिया। हाँ, अभी मैं यही आपसे क्वेरी करने जा रहा था भाई कि अगर मेरा व्यूअर अगर कोई लंबे से देख रहा है गुजरात अहमदाबाद अगर वहाँ से देख रहा तो फिर डिलीवरी का क्या सीन हो जाएगा? खान पेट शॉप इंस्टाग्राम हैंडल पे जा सकते हैं। ओके, मैं खुद गया था पर्सनली गोवा इस अफ्रीकन ग्रे को देने के लिए डिलीवर करने के लिए वहाँ पर। क्या बात है यार, बहुत ही सही। और भाई जो डिलीवरी चार्ज होता है भाई वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, एडिशनल पे करना होता है आपको। ये दूसरा रहा अफ्रीकन ग्रे, ये है फीमेल में। ओके, ये जस्ट आज ही आई है हमारे पास, ये है फीमेल। ओके, ये है अराउंड 6 to 7 month ओल्ड अफ्रीकन ग्रे फीमेल। कुछ डीएनए के साथ अवेलेबल होते हैं, कुछ डीएनए के साथ नहीं अवेलेबल होते हैं। करेक्ट भाई, वो तो ऑलमोस्ट अभी लोगों को पता चल गया, डीएनए टेस्ट कराना तो वो लोगों को समझ आ चुका है ऑलरेडी, क्योंकि लोग वीडियो देख के ही खुद उनको पता चलता है। भाई सबसे पहली क्वेरी रहती है भाई डीएनए है कि नहीं, तो भाई देखो अगर आप कोई भी पेट शॉप पे जाओगे ना तो बिना डीएनए के आपको मिलेगा नहीं, अगर रहेगा भी तो वो जो बता के दे देते हैं कि भाई डीएनए है कि नहीं है, जो ऐसा भी रहेगा वो तो क्वेरी तो लोग क्लियर ही कर देते हैं। इसके बाद लेते हैं, आपके शोल्डर पे बैठा हुआ है एक लॉरी, ये देख रहे हो गाइस काम ये देखिए क्या बात है, बहुत ही तगड़ा यार। अरे गाइस मैं एक चीज बोलूं ना आपको, इनकी जो क्वालिटी है ना गाइस, क्वालिटी बहुत ही तगड़ी और मतलब एकदम हेल्दी है, ऐसा नहीं कि मतलब नॉर्मल हैंडल किया। अगर आप कोई बर्ड को ऐसे हैंडल करोगे तो वो जरूर बाइट करेगा, उनकी बाइट में इतना पावर होता है कि आपको खून निकल सकता है। ओहो, बट देखिए मैंने कैसे हैंडल किया इस लॉरी को। करेक्ट करेक्ट, अगर आप देखोगे तो सिर्फ लॉरी नहीं, हमारे पास छोटे से छोटे और सारे बड़े बर्ड्स अवेलेबल, बजीज भी हमारे पास, बजीज भी अवेलेबल हो जाएगा भाई। हाँ जी हाँ, लॉरी जो बताया जो उड़कर अभी फिर वहाँ पर गाइस देख रहे हो पसंद है, वहाँ पर बैठ चुका है, फेदर्स फुल है ये, इसलिए इजीली घूम पा रहे, उड़ पा रहे भाई। हाँ, सही तो बात वो है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है 18K रेंज है स्टार्ट। अच्छा 18K लॉरी के, राइट राइट। ओके, उसके बाद कौन सा देखने मिल जाएगा भाई अपने को? स्टार्ट करते हैं एक बड़े बर्ड से, वर्ल्ड लार्जेस्ट बर्ड से, ये है अभी बेबी बेबी जस्ट बेबी। और कितने मंथ का होगा भाई ये अभी इरफान भाई? अराउंड 4 to 5 month ओल्ड है, ये देख सकते हो गाइस 4 to 5 month का ये बेबी। फर क्वालिटी मैं आपको बताता हूँ भाई, ये देखिए, ये देख लो गाइस इसकी फर क्वालिटी देख रहे हो, और एक भी फेदर कटा हुआ नहीं है गाइस, ये देख सकते हो आप, ये क्वालिटी होना चाहिए भाई, क्योंकि लोगों के ना भाई बर्ड्स के ना फेदर कटे हुए रहते हैं यार, लेकिन एक भी नहीं है यहाँ पर सब चीजों की वजह से। ये भी जस्ट बहुत छोटा है। करेक्ट भाई, ब्लू एंड गोल्ड मकाओ, अगर कलर से ही आपको पता हो रहा, ये रहा ब्लू और ये रहा गोल्ड, देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारा भाई, बहुत ही प्यारा। एज अभी छोटी है तो ये अभी है हैंड फीडिंग पर। ओके, ये देखिए, अगर आप बर्ड लवर हो गए तो आपको पता चल जाएगा भाई क्या कर रहा है, आपको साइन मिल गया होगा। करेक्ट 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 भाई, तो ये है एक छोटा सी ब्लू एंड गोल्ड मकाओ, जो के होते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट बर्ड में से आते हैं, टॉकेटिव होते हैं, ये भी होते हैं सिंगल ओनर बर्ड्स। हाँ, इनको भी मतलब लोगों को शेयर करना पसंद नहीं है भाई, सोशलाइज होना पसंद कुछ भी नहीं भाई, इनको पसंद है सिंगल ओनर सिंगल ओनर सिंगल ओनर भूख लगा है ये देख सकते हो आप।
तो अभी ये बहुत ही प्यारा भाई। अगर आपको इसकी प्राइस इंक्वायरी के लिए हमें कॉल करना पड़ेगा। अच्छा इसके प्राइस मुंबई में तो आप डायरेक्ट विजिट डायरेक्टली शॉप पर आ जाना, आप बाहर से है तो आप कॉल कर लेना, आप कॉल करें ना या तो हम डिलीवर करेंगे आपके घर पर। चलो बर्ड हैंडलर बहुत ही और वही नहीं, हमारे पास कैट फूड भी अवेलेबल है। अगर आप देखोगे यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारी रेंज हमारी है ग्रूमिंग्स की, सारी चीजों के ऊपर आपको बहुत ही तगड़ा। अभी मैं वही आपसे पूछने जा रहा था भाई कि लोग ले लेते हैं बर्ड्स, ले लेते हैं कि भाई हमको शौक है, बट लेकिन क्या होता है उसको उस तरीके से ना बोलते हैं जैसे आप उन पाल नहीं पाते, उनको बड़ा नहीं कर पाते, करेक्ट। तो इरफान भाई मेरी एक क्वेरी रहेगी भाई, मेरे व्यूअर को वो टिप दे दो ताकि जिससे अगर समझ लो अगर यहाँ पर कोई अगर किसी के पास बर्ड्स भी है जी, तो क्या वो यहाँ पर आके आप अपने जो बर्ड्स के लिए खाना वगैरह ले सकते हैं? आपको बर्ड फूड, डॉग फूड, फिश फूड, कैट फूड, पेट्स के रिलेटेड सारी चीजें मिलेगी सारी पेट शॉप पे आपको। क्या बात है यार, बहुत ही तगड़ा है, बेस्ट रेट में, प्लस आपको हम देंगे नॉलेज करेक्ट, क्या खिलाना है, क्यों खिलाना है, ये खिलाने से क्या होता, क्या होता है, बेचना नहीं चाहते, करेक्ट करेक्ट, बताएं कि आपकी पेट्स के लिए क्या हेल्दी क्या होता है, करेक्ट भाई। तो इरफान भाई उसके अलावा पिजन देखने मिलेगा कि नहीं अपने को? है हमारे पास पिजन भी अवेलेबल हो जाएगा। सो गाइस फाइनली इरफान भाई ने आप लोगों के लिए भाई यहाँ पर देख रहे हो पिजन्स यानी कबूतर मसक्कली लेकर आ चुके भाई। इन्हें आपने इनका गाना भी सुना होगा मसक्कली मसक्कली, जिससे वो फेमस हुए थे। तो इरफान भाई अपने पास ये पिजन्स ही देखने मिल जाएगा या इसके अलावा जो फाइटर्स होते हैं ये पिजन्स वगैरह वो भी देखने मिल जाएगा? बहुत सारे फैंसी पिजन्स आते हैं, कुछ उड़ान के आते हैं, करेक्ट भाई, हमारे पास उनके स्टॉक्स भी अवेलेबल होते हैं। ओह क्या बात है, हमारे बाहर के सेक्शन में कुछ पिजन्स है जो फैंसी फैंसी पिजन में, करेक्ट करेक्ट भाई, उड़ान के भी मिलते हैं। आप ऑर्डर दोगे तो अगर वो चीज अवेलेबल नहीं है अवेलेबल करा के मिल जाएगा। क्या बात है भाई, देख रहे हो अगर आपको कुछ भी क्वेरी रहेगी ना तो आप भाई से डायरेक्टली कांटेक्ट करके ना वो चीजें ले सकते हो। हमारा फोन अक्सर बिजी आता है, ऑल ओवर इंडिया से हमें कॉल आते हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, हम करेक्ट आपको गेट बैक करेंगे। या तो आपको फास्टेस्ट रिप्लाई चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, आपको जल्दी आपको मैसेज मिलेगा, आपको आंसर मिल जाएगा, करेक्ट। अगर प्राइसिंग की बात करें तो क्या होगा भाई पिजन्स का? 2.5 के, क्या बात है, इनके अंडे भी हमारे पास, क्या बात है, पेयर है, क्या बात है। और पेयर में मिलेगा इरफान भाई या सिंगल रेट होगा आपके पास? मेल है तो फीमेल मिल जाएगा, फीमेल। ओह ये भाई ये बहुत ही बड़ी चीज भाई ने बताया, क्योंकि क्या होता है किसी के पास मेल होता है तो फीमेल नहीं, किसी के पास फीमेल है तो मेल नहीं, तो भाई अपने को यहाँ पर मिल जाएगा। ये देख सकते हो गाइस आप, बहुत ही प्यारा यार, बहुत प्यारा भाई। बाद में आपको बता दो हमारे पास एक एग्जॉटिक पेट है टेरेंटुला। टेरेंटुला, क्या बात है भाई। सो गाइस फाइनली यहाँ पर देख रहे हो इरफान भाई के हाथ में अपने को यहाँ पर टेरेंटुला भी देखने मिल जाएगा। तो इरफान भाई इनकी क्या प्राइस होने वाली है टेरेंटोला की, ये जो प्राइस होने वाली है क्या रेट तक आ जाएगा भाई? रेंज में हमारे पास टेरेंटोला और इस तरह के एक्सोटिक पेट्स होते हैं जस्ट 4.5 के इनकी रेंज है। 4.5 की रेंज है, ये देखिए। और ये कितने मंथ का होगा, कितने इयर्स तक होगा अभी भाई? तो ये बेबी है, 3-5 मंथ का है ये, और ग्रो होता है ये देखिए। अच्छा इनको कैसे रखना है, इनका इंक्लूजन हमारे पास भी मिलता है, इन किसका भी मिल जाएगा गाइस अपने को, क्या बात है, इनका फीड भी मिलता है, क्या बात है, कि आपने ये ले लिया फीड के लिए कहीं और घूमना है। ओहो मतलब अपने को एक ही शॉप पे अगर समझ लो अगर यहाँ से आप अगर मकाव लेके जा रहे हो तो मकाव को क्या खाना है, क्या पीना है, कितने टाइम देखना है, कौन से केज में रखना है, कौन से टॉय देना है, सब कुछ मिलेगा। और अगर आप बाहर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, कोई भी पेट आपके पास है हमारे पास छोड़ के जाओ, हम उसकी टेक केयर करेंगे। ओहो भाई ये बहुत ही बड़ी चीज है भाई, अगर टेक केयर के लिए आपको यहाँ पर देना है तो आप इरफान भाई के साथ हमारी है। बहुत ही भाई बहुत प्यारा इरफान भाई। इरफान भाई उसके अलावा और क्या देखने मिल जाएगा इरफान भाई? हमारे पास है हैमस्टर, ये देख सकते हो गाइस, बहुत ही प्यारा हैमस्टर है गाइस यहाँ पर देख रहे हो, बहुत प्यारा। तो इरफान भाई क्या कितने महीने का होगा ये बेबी? हम जस्ट 2 मंथ ओल्ड है, 2 मंथ ओल्ड है। देखो आप एक क्यूट सा केज जिसमें केज वो ये देख रहे हो एक्टिविटी कर सकते कर सके साइजेस अलग अलग डिपेंड्स है आपके आपके ऊपर, आपको कितना बड़ा साइज, कितना बड़ा साइज चाहिए, करेक्ट। हैमस्टर्स होते हैं, गिनी पिग्स होते हैं, ये सारे तरह के पेट्स हमारे पास मिल जाते हैं, करेक्ट। अगर प्राइसिंग की बात करें तो क्या प्राइस हो जाएगा इरफान भाई? ₹500 का केज है, ओके। और अगर हम बात करें हैमस्टर तो वो भी हमारे पास 1500-1600 रुपीस पेयर मिल जाते, पेयर में मिल जाते, ये भी मिल जाते हैं, अडल्ट मिल जाते हैं हैमस्टर, क्या बात है, बहुत ही। तो इरफान भाई ये तो अपन ने बड़े बर्ड्स थोड़े देख लिए, बट लेकिन अपने को कोई बेबी बॉर्न ऐसा कुछ समथिंग देखने मिल जाएगा भाई? वो भी है हमारे पास, वो भी अवेलेबल अपने पास, अभी वो भी दिखा देते गाइस आपको। मतलब यहाँ पर ना गाइस आपको ऑल चीजें मिल जाएगी यार देखने के लिए, ये तो अपने बर्ड्स देख ही लिया। इरफान भाई एक चीज और, जैसे ये बर्ड्स है, ये बर्ड्स के पैरों में आपने ये लगाया, इसका मतलब कुछ क्लोज रिंग होता है इनका, मतलब okay. इनको पहले तो हम सर्टिफाइड करने के लिए ब्रीडर्स डालते जहाँ से हम बात करते, ओके okay. तो इससे एग्जैक्टली पता चलता है कि ये मेल फीमेल क्या था, ये कहाँ से आया, इनका नंबर क्या है, तो भाई इससे मतलब सर्टिफिकेशन में आपको वो काम ओके okay, और मतलब मिसमैच होने का चांस ही नहीं होता है, करेक्ट 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 भाई।
उसके अलावा गाइस अभी यहाँ पर आ जाओ, ये हमने वीडियो में कवर करने के लिए इतने छोटे से मैं रखा हुआ है, ये आपको बताता हूँ मैं। ये है हैंड फीडिंग कुकरटेल्स, क्या बात है, बहुत ही प्यारे, ये देख रहे हो कितने प्यारे हैं यार कुकरटेल्स, बहुत ही प्यारे हैं हमारे पास बहुत सारे, ये देख सकते हो है, ये है व्हाइट में, ये देख रहे हो बहुत ही प्यारे, थोड़ा एक्सोटिक और हाइब्रिड में आते हैं, करेक्ट, इनको आप अभी से अगर ले लेते हो, इनको हैंड फीड कैसे करना है वो सिखा दूंगा मैं, अगर नहीं आता है तो, और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसे बॉन्डिंग बहुत अच्छी बना सकते, हाँ अगर अभी से बॉन्डिंग बनाएंगे तो रिकॉल पे आएगा, आप ऐसे छोड़ोगे वो रिकॉल पे आपके पास जाएगा, क्या बात है यार बहुत ही प्यारा है। तो इनके ही नहीं, आपको ब्लू गोल्ड का बेबी चाहिए, इससे छोटा अफ्रीकन ग्रे का चाहिए, जो भी बर्ड का छोटा बेबी चाहिए हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, जरूर मिलेगा, बहुत ही प्यारी बात है भाई। देखिए अगर आपको कुछ भी चाहिए ना भाई, तो इरफान भाई का नंबर बाजू में दिख रहा है, फटाफट कॉल करो, मुंबई में रहते हो तो ज्यादा दूर नहीं जोगेश्वरी आना है, जोगेश्वरी में आके आप वहाँ से भाई ऑटो लेके भी आ सकते हैं, 10 PM या 10:30 टू 10 तक हम आ सकते हैं, हमारी शॉप ओपन रहती है एवरीडे, अच्छा एवरीडे, संडे ऐसा क्लोज नहीं होता ना भाई, कभी भी आना है, अगर आप आ रहे हो आपको कोई स्पेसिफिक चीज चाहिए तो जरूर कॉल करके या टेक्स्ट करके आए प्लीज, करेक्ट करेक्ट भाई। उसके अलावा इरफान भाई मैं थोड़ा यहाँ की चीजें भी कवर कर देता हूँ भाई, देख रहे हो आपको ना यहाँ पर, उसके अलावा यहाँ पर देख लो गाइस, यहाँ पर आपको ना केजेस वगैरह भी देखने मिल जाएगा यार, और यहाँ पर भी देख रहे हो भाई बहुत सारे आपको, मतलब अगर पैट्स वगैरह का कुछ भी चाहिए ना आपको यहाँ पर, तो सारी चीजें मिल जाएगी यार यहाँ पर, देख रहे हो बहुत ही सही यार, उनके जो देख रहे हो खाने पीने की चीजें है ना जिसमें वो खा पी सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर भी देख रहे हो, यहाँ पर भी मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ यहाँ पर देख रहे हो, बहुत सारे अगर उनका कुछ अगर आपको चाहिए एसेसरीज वो भी मिल जाएगा भाई यहाँ पर। और इरफान भाई ये सब की रेट क्या स्टार्ट होती है अगर किसी को लेना है तो, अगर ये एसेसरीज वगैरह जो पैट्स के लिए रहता है, अगर 40-50 रुपीज से स्टार्ट है, कोई हाई रेंज नहीं रहेगा, फूड भी हमारे पास 200 से स्टार्ट है, बर्ड टॉय 50 रुपीज से 100 रुपीज से स्टार्ट है, बर्ड फूड सब कुछ एक बेसिक रेंज से स्टार्ट है गाइस, देख लो यार, अगर नहीं भी तो हम आपके बजट में बिठा देंगे ये देख लो भाई, ये चीज सही बोला आपने, आपको सोच कर आना है कि हमें 10,000 का बजट लेकर आना है, 5,000 का नहीं, आप लेकर आओ, हम कोशिश करेंगे आपके बजट में बिठाए, करेक्ट करेक्ट भाई। देखो भाई की गाइस यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें यार, तो मैं तो एक ही रिकमेंड करूंगा कि भाई एक बार आओ यहाँ पर विजिट करो, और इतने प्यारे प्यारे यहाँ पर जो बर्ड्स है ना, ये आप आपके घर पे भी लेके जाके ना इजिली इनको ना इनके साथ रह सकते हैं। और ये देख लो भाई, बहुत लोग कमेंट करते थे इरफान भाई कि यार आप उनको केजेस में रखते हो, केजेस में, इसीलिए ये शॉप पर है कि यहाँ पर देख लो गाइस, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पर देख रहे हो इतना बड़ा बर्ड्स जो कि भाई लोगों का सपना होता है भाई, ये लेकिन बाहर ही बैठा हुआ है भाई, इसको केजेस में नहीं रखा गया, तो आप लोग के जो कमेंट रहते हैं कि भाई इनको अंदर रखते हो, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, रखते भी तो टाइम रखते हैं, दिन भर नहीं रख सकते, दिन भर इसको उनको स्ट्रेस में नहीं डालना होता है, करेक्ट भाई। सो गाइज ये व्लॉग में सिर्फ इतना था, उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा, व्लॉग पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। और यहाँ पर देख रहे हो भाई बर्ड्स ना बहुत ही फ्रेंडली यार गाइज, बहुत ही फ्रेंडली, तो मैं तो एक ही चीज़ बोलूंगा गाइज, मुंबई में रहते हो आके विजिट करो, और अगर आप यहाँ से कहीं दूर रहते हो तो भाई कॉन्टैक्ट करके, या तो अगर आप आ सकते हो तो आ जाओ यहाँ पर आके चेक करके आपके हिसाब से लेके जा सकते हो। बाकी शॉप के रिलेटेड जो भी डिटेल्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साइड में मेरा नंबर भी दे दिया था, तो आप भाई से डायरेक्टली कॉल करके कुछ भी क्वेरी रह सकती है आपकी, तो भाई से कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो को यहीं पर वेंड ऑफ कर दे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अभी हम जा रहा हूँ भाई दूसरी वीडियो बनाने, भाई की दूसरी शॉप भी है, वहाँ की वीडियो कवर करने, तो ये वीडियो आपने देख लिया रहेगा, बाकी चलते वो वीडियो कवर करते, वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट जरूर करना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन स्टे सेफ, पीस आउट, बाय।